बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद फरहान नासिर, लेक्चर डिपार्टमेंट फॉर मोलेकुलर बायोलॉजी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। इन दिस वीडियो वी विल परफॉर्म एंटीमाइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग। इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट द इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया बाय यूजिंग डिफरेंट एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंसेस। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंसेस। नंबर वन इज द नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस। नंबर टू इज द सिंथेटिक डेरिवेटिव्स ऑफ नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस। एंड नंबर थर्ड इज द केमिकल एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड्स। There are two techniques basically used for this test. Number one is the dilution technique and number two is the Dix diffusion technique. So in generally, in most laboratories, Dix diffusion test is used. There are different materials required for this practical. Number one is the Müller-Hinton agar. This is solidified form of the Müller-Hinton agar. So prepared and sterilized Müller-Hinton agar as per the instructions of the manufacturer. Number one is we take 38 gram of the Müller-Hinton agar in powdered form and dissolve in the 1 liter of distilled water. Then we will autoclave it at 121 degree centigrade, 15 pounds pressure for 15 minutes. So after autoclaving, we will pour the Müller-Hinton agar into the petri plates. This is the disposable petri plates made of plastic. इसको पोर करने के बाद इसको जो है हम थोड़ी देर के लिए इसको सीधा करके रख देंगे जब तक ये सोलिडिफाई नहीं हो जाएगा। तो सोलिडिफाई होने के बाद इसको फिर हम इन्वर्ट कर देंगे। हम इन्वर्ट क्यों करेंगे, क्योंकि इसके यहाँ पे ये देख रहे हैं आप कि यहाँ पे जो है इसके ह्यूमिडिटी आ गई है। तो जब ह्यूमिडिटी जब बढ़ जाएगी तो ये ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे। तो ड्रॉपलेट्स जो है वो इसके एगर के ऊपर गिरेंगे, इसका जो कल्चर से इंटरफेरेंस करेंगे और रिजल्ट जो है वो फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव आ सकते हैं। और ये आपने बनाते हुए लाजमी ख्याल रखना है कि ये इसकी लेयर जो है ना तो ज़्यादा मोटी हो ना ज़्यादा पतली हो। अगर ये लेयर काफ़ी पतली होगी तो क्या होगा, जोन ऑफ इनिबिशन जो है वो काफ़ी जो है वो बड़ा बनेगा, फॉल्सली लार्ज होगा। इफ़ इट इज़ टू थिक, अगर ये मोटी लेयर होगी देन द जोन ऑफ इनिबिशन विल बी फॉल्सली स्मॉल। हम यही एगर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इस एगर पे जो है वो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर जाते हैं, जैसा कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन्स है, तो नाइजीरिया ग्लोरिया है, ये जो बैक्टीरिया है इनके लिए जो है हमें चॉकलेट एगर चाहिए होगा। लेकिन उसके अलावा जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे जो हैं वो Müller-Hinton agar पे ग्रो कर जाते हैं। तो हमें एक ही चाहिए होता है, क्योंकि एक तो ये नॉन डिफरेंशियल मीडिया है और एक ये नॉन सिलेक्टिव मीडिया है और इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। टॉक्सिन्स क्या करते हैं, टॉक्सिन्स जो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, तो टॉक्सिन्स को किल करने के लिए मतलब कि वो टॉक्सिन जो है वो हमारे रिजल्ट्स में इंटरफेरेंस ना करे, तो स्टार्च जो है वो उन टॉक्सिन्स को अब्सॉर्ब कर लेता है और हमारे रिजल्ट्स जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आते हैं। तो इसलिए हम Müller-Hinton ही यूज करते हैं। और ये लूज एगर है, इसका मतलब बेनिफिट ये है लूज एगर होने का कि इसमें जो एंटीबायोटिक्स हैं वो इजीली जो है वो डिफ्यूज वो हो जाती हैं, इसका जो इफेक्ट है वो पूरी एगर में जो है वो डिस्पर्स हो जाता है और ये हमारे लिए काफी इजी हो जाता है। और नंबर टू मटेरियल इज दी एंटी माइक्रोबियल डिस्क। दीज आर दी एंटी माइक्रोबियल डिस्क यूज फॉर दिस पर्पज। दिस डिस्क आर प्रेजेंट इन डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन फॉर डिफरेंट बैक्टीरिया। तीन तरह के बैक्टीरिया होते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। नंबर वन इज दी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, नंबर टू इज दी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, नंबर थ्री इज दी एसिड फास्ट बैसिलाई। तो ये तीनों बैक्टीरिया जो है, जिससे हमारी ये स्किन है, हमारी लेयर है स्किन की, तो इसकी बेस पे इनके अंदर एक होती है, इनकी बाहर की लेयर को कहते हैं सेल वॉल। तो इसकी बेस पे इन तीनों बैक्टीरिया का डिफरेंस है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनकी जो लेयर है वो मोर देन 60% पेप्टिडोग्लिकन होता है उनकी लेयर में, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनकी सेल वॉल में लेस देन 10% जो है पेप्टिडोग्लिकन होता है, और जो एसिड फास्ट बैसिलाई है उनकी जो लेयर है, उनकी जो सेल वॉल है उसमें मोर देन 60% माइकोलिक एसिड होता है। तो डिफरेंट बैक्टीरिया के लिए डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हम यूज करते हैं एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द डॉक्टर्स एंड क्लिनिशियंस। तो डिफरेंट बैक्टीरिया, अगर तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो उसकी डिफरेंट एंटीबायोटिक्स है, एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंसेस है। अगर तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसकी डिफरेंट एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंसेस है। और अगर एसिड फास्ट बैसिलाई है, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है जो टीबी कॉज करता है, तो उसकी जो है डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैं। तो ये डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन भी यूज की जाएंगी। और उसके अलावा जब नंबर थर्ड जो मटेरियल है वो है हमारे पास 0.5 मैकफारलैंड स्टैंडर्ड। 0.5 मैकफारलैंड स्टैंडर्ड ये टर्बिडिटी स्टैंडर्ड है। इसको हम बेसिकली इसलिए यूज करते हैं कि इसमें जो टर्बिडिटी मींस गदलापन, धुंधलापन आ जाता है, तो हमने इस की टर्बिडिटी के साथ हमने अपने इनोकुलम को मैच करना होता है। इनोकुलम मींस के हम स्टीरल वाटर लेंगे या फिर हम नॉर्मल स्लाइन लेंगे, उसमें हम बैक्टीरियल सस्पेंशन बनाएंगे, उस बैक्टीरियल सस्पेंशन की एक या दो कॉलोनीज लेंगे, उसकी 0.5 मैकफारलैंड स्टैंडर्ड के साथ हम उसकी टर्बिडिटी को मैच करेंगे और
इसमें जो है टर्मिनेटरी मैच करने के बाद क्या होगा कि जब हम इसको इसकी लोनिंग करेंगे, इसकी स्टिकिंग करेंगे मोलर हिंटन एगर पे इनोकुलम की, तो जो ग्रोथ आएगी उसके ऊपर यूनिफॉर्म ग्रोथ आएगी, कन्फ्लुएंट ग्रोथ आएगी, और वो ग्रोथ होगी 1.5 × 10⁸ CFU/mL। सबसे पहला जो स्टेप है, अभी हम 8.5 मैकफार्लेंड स्टैंडर्ड बनाने का तरीका बताएंगे। नाउ वी विल प्रिपेयर 0.5 मैकफार्लेंड स्टैंडर्ड। तो हमने जब भी कोई भी लिक्विड के साथ हमने डील करना है, कोई एसिड है या उसके अलावा कोई और भी केमिकल कंपाउंड है, तो हमने लिक्विड के साथ डील करते हुए हमने लाजमी ये गॉगल्स जो हैं ये हमने अपने फेस पे वेयर कर लेने हैं अपनी आंखों को स्प्लैश से बचाने के लिए। फोर पॉइंट फाइव मैकफार्लेंड स्टैंडर्ड प्रिपरेशन वी विल रिक्वायर 1% बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, 1% बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। नंबर सेकंड थिंग इज दी 1% सल्फ्यूरिक एसिड। सो वी विल टेक 99.4 ml ऑफ 1% सल्फ्यूरिक एसिड एंड एड इनटू 0.6 ml ऑफ 1% बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक, दिस इज दी फ्लास्क, this is the glass flask, and I will take measuring cylinder, this is the measuring cylinder to measure the liquid. We'll take 99.4 ml of 1% sulfuric acid. Now add it in the flask. Now we take 0.6 ml of 1% barium chloride solution. 0.6 ml means we require 600 microliter. So for this purpose, we use blue color micropipette. So there are three types of micropipettes. Number one is the 0.1 microliter to 10 microliter. For this, we use white tips. And these are the tips. These are the tips. 4.1 microliter to 10 microliter we require white tips that are small in size. And number second range is the from 10 microliter to 200 microliter or 100 microliter. For this purpose we require yellow color pipette, and from 200 microliter to 1000 microliter we require blue color pipette. So for this purpose we require 600 microliter, so we use this blue color pipette and blue color tip. Take this tip to micropipette like that. Press it 1 to 2 times. Then we take 1% barium chloride solution. As you see, we set this pipette on 600 microliter as it is clearly mentioned on meter. First press the micropipette like that and then insert the tip into the bottle and pick up the 0.6 ml or 600 microliter 1% barium chloride solution. Add 1% barium chloride solution into the flask having 1% sulfuric acid. Then for discard this tip, we use discard box, color discard box. For discarding the tip, we use over thumb and press this button of the pipette. Now place the micro pipette on its place and discard box on its place. And now we will take 8 ml capped test tube, open it and add the 0.5 Macfarlane standard into it. And now cap the test tube and place on the test tube rack. Now we are going to perform main procedure of this test. First step is that using a sterile wire loop,
conduct 3 to 5 well isolated colonies of similar appearance to the test organism. And emulsify in 3 to 4 ml of sterile physiological saline for nutrient growth. Second step is that, in a good light, match the turbidity of the suspension to the turbidity standard, which is known as 0.5 McFarland standard. When comparing turbidities, it is easier to view against a printed card or sheet of paper. Third step is that, using a sterile swab, inoculate a plate of Müller-Hinton agar, remove excess fluid by pressing and rotating the swab against the side of the tube above the level of the suspension. Streak the swab evenly over the surface of the medium in three directions. Rotating the plate approximately 60 degrees to ensure even distribution. Fourth step is that, using sterile forceps, place the appropriate antimicrobial disc evenly distributed on the inoculated plate. Note the precaution of this step. This disc should be almost 15 mm from the edge of the plate and no closer than about 25 mm from disc to disc. No more than 6 discs should be applied in 90 mm dish. Each disc should be lightly pressed down to ensure its contact with the agar. It should not be moved once in place. Now we'll incubate the plate for 16 to 18 hours in incubator at 37 degrees centigrade. After 16 to 18 hours of incubation, we will take the plates and examine the zones of inhibition. After 16 to 18 hours of incubation means after overnight incubation, we will check the results. Results could be of three types: resistant, intermediate and susceptible. Teen tarah ke result honge hamare paas. Resistant means ke wo antibiotic jiska koi effect nahi hai bacteria pe. और इंटरमीडिएट इसका मतलब है कि वो एंटीबायोटिक जिसके लिए हमें जिसकी क्वांटिटी जो है वो हमें ज़्यादा चाहिए होगी, मीन्स कि उसकी डोज जो है वो पेशेंट को हमें ज़्यादा देनी होगी इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए. एंड नंबर थर्ड इज़ दी ससेप्टिबल, जिसको नॉर्मली जो डोज रिक्वायर है उसी में ही यूज़ हम कर सकते हैं अगेंस्ट दैट बैक्टीरिया. तो तीन तरह के रिजल्ट होंगे. ये हमारे पास ये प्लेट है आफ्टर 16 to 18 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन. तो उसके बाद हम प्लेट के बाद क्या प्लेट हम इंक्यूबेटर में से निकालेंगे और उसके बाद हम स्केल लेंगे. स्केल इस तरह रखेंगे हम कि उसके जो एंटीबायोटिक डिस्क है उसके मिड में हम स्केल को रखेंगे और इसका जो जोन है वो हम मेजर करेंगे. जैसा कि हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो टोटल 1 से लेकर 3 सेंटीमीटर तक जोन ऑफ इनिबिशन आ रहा है. तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे कि 30 मिलीमीटर है, 30 मिलीमीटर का जोन ऑफ इनिबिशन है. तो जोन ऑफ इनिबिशन मेजर करने के बाद हम स्टैंडर्ड एक चार्ट बना हुआ है क्लिनिशियंस के लिए, जिससे उस एंटीबायोटिक की डोज और उसका जोन ऑफ इनिबिशन कंपेयर करके बताया जाता है कि ये जो एंटीबायोटिक है ये इफेक्टिव है कि नहीं. उस स्टैंडर्ड चार्ट के साथ उसके जोन को मेजर करेंगे और पेशेंट को जो है वो मेडिसिन जो है वो रिकमेंड करेगा डॉक्टर. मैंने जैसा कि बताया तरह के जोन ऑफ इनिबिशन आ सकते हैं.
नंबर वन इज दी रेजिस्टेंट, दिस टाइप इज दी रेजिस्टेंट। तो देख रहे हैं आपकी इसकी स्टैंडर्ड है और इसका जोन ऑफ इनहिबिशन कितना बड़ा साइज का आया है। तो ये डोज जो है ये स्टैंडर्ड डोज है इसके लिए, तो यही जो है बेनिफिशियल होगी पेशेंट के लिए।